यकीन करो मामू, मैं आपकी लड़की का अच्छा ख्याल रख लेता हूँ। दिमाग खराब हो गया खलील तेरा? जरा एक बार और अच्छा सोच लेना था। एक बार सोच लेना था? अरे हजार बार सोच लिया, चल निकल। इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा तुम्हें। भुगतना पड़ेगा? भुगतेंगे जा। भुगतो भुगतो। लंगा भूखा मेरी बच्ची से शादी करता कहते। वालेकुम चिच्चा। वालेकुम सलाम। आओ टीपू बैठो। फिर वही टीपू चिच्चा, घर में बेर का झाड़ रहा तो फतरे आते, बच्ची अगर रही तो रिश्ते आते। मगर ये पहाड़ कई को आया रिश्ते के सिलसिले में? तेरा रिश्ता तो नहीं लाया ना? अरे मेरा नहीं चिच्चा, मेरे उस्ताद का रिश्ता लाया। वो इस बोल रहा हूँ, कई को बोले तो मेरी बच्ची दुबली पतली है। वैसे तेरा उस्ताद करता क्या? मेरे उस्ताद हैदराबाद में टॉप के टेलर है। टेलर है? ड्राइवर रहता तो अच्छा रहता था। वैसे छोड़, तेरा उस्ताद शौखा क्या करता? शौखा छालिया भी नहीं खाते। छालिया भी नहीं खाता? इतना गरीब है तेरा उस्ताद? हाँ, अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद चाहिए। गरीब शरीफ नहीं चलता। अब गया सो पुट्टे को देखा? और देखा, गांव का सबसे शरीफ पुट्टा है मगर कंगाल है। मेरे शौखा पूरे कर सकता? अरे कैसा दामाद ना? अरे मेरे को रंगीला किस्म का दामाद है तो देख, तेरे को भी कमीशन देता हूँ। एक बार उस्ताद को देख लेना था। अरे जा भाई जा, इफ्लासियों को देखे तो घर में इफ्लासी आती करते। अफसोस, मैं इतना समझाने के बावजूद भी आप एक अच्छे रिश्ते को ठुकरा रहे। बेचारे उस्ताद अब क्या कर लेते कि क्या नहीं किए। खैर चलता हूँ चिच्चा, देखेंगे फिर इंशाल्लाह। 35 साल में जमाना कितना चेंज हो गया। शोले की मौसी धमिंदर गुड़ है बोल के बसंती को नहीं थी, और ये मौसा गुड़दामत होना पड़ा। नहीं रे, सुर बराबर नहीं लग रहे। अरे नहीं भाई, आपके गले में सरस्वती है। बस एक बार उस्ताद बंदे अली खान के चार पांच सुर आपके गले में उतर जाए, फिर देखिएगा आवाज का उतार चढ़ाव भी आ जाएगा। चुप बैठ रहे खोटे सिक्के, खाली 2 महीने से फिरा रहा उस्ताद बंदे अली खान, बंदे अली खान मिला रहा ना कर रहा। ऐसा क्या, अभी टाइम फिक्स करता हूँ ना भाई। भाई ये सेट के बाद क्या था भाई? तेरा मुंडा आता। उस्ताद जी आपसे मिलना है। 2 दिन में मिलेंगे मियां, जरा मकान शिफ्ट कर लो बेटे। फिर मकान का किराया नहीं दिया शायद? आप कहाँ लिए मकान? भारत नगर में शिफ्ट हो रहा हूँ। भारत नगर में? अरे वहीं से तो हम लोग रहते हैं, वहाँ किसके वहाँ उतरे? अरे वो बशीर भाई कहते पहचानता उनको, उनके ही घर में उतर रहा हूँ। अरे उन्हें पहचानता, उन्हें हमारे बाजू में रहते, फिर तो रोज मिलेंगे। ठीक है भाई, भगवान आप पर बहुत बड़ा मेहरबान है, वो अपने बाजू में रहने के लिए आ रहे। भाई मुंडे के बाद क्या था भाई? ये आता है भाई, इनको रोके तो भी नहीं रुके, यहाँ तक आ गए, आपसे काम है कदे? बोल रहा हूँ भाई, आराम कर रहे हैं बोले तो भी नहीं सुन रहे। पहली बार गुलाब को गुलाबी कपड़ों में देख रहा हूँ, ये बगैर कांटों का गुलाब मेरे घर में कैसा आया? ये मोटे अकल का मोटा आदमी है, इन्हें लोगों को पहचानने में गलती करता। बोलिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मैंने सुना आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे आपको कैसा मालूम, पेपर में आया या टीवी पे बताया? नहीं मेरा मतलब है आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? जी वो कुछ दिन पहले मेरी एंगेजमेंट हुई। तो क्या आप मेरे को शादी की दावत देने आए? नहीं मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे एडवांस 1/2 किलो छमछम पेश करो, अच्छा वक्त आ गया जैसा दिख रहा। मेरा मतलब है लड़का पसंद नहीं है तो रिश्ता तोड़ना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मेरे माँ बाप ये रिश्ता तोड़ने से डर रहे हैं, क्योंकि वो शहर का बहुत बड़े डॉन का छोटा भाई है। वो गुंडा, जरा नाम तो बोलो। तब्रेज आलम। जा के आपके अम्मा बाबा को वही खानदान मिला था क्या शादी करने, कोई दूसरा नहीं मिला? खैर वो सब छोड़ो, आपका मोबाइल नंबर इस पे फीड करके जाओ, मैं बाद में फोन करके बोलता हूँ क्या करना है। सुन जी ये लीजिए। बाय।
बाय। कई दिनों के बाद एक खूबसूरत चेहरा देखने को मिला, नहीं तो तुम दोनों की उजाड़ सूरत देख देख के मेरा खूबसूरती पे से भरोसा उठ गया था। भाई इन्हें तो शेर के गुफा में घुसने का ऑफर देके गई ना, वो ऊपर से तबरेज़ आलम आखिरी किराक लोग आए, खाली चुपने बैठ के चुपा लेते। कुछ भी हो, लड़की पातरनी है पातरनी, बटरफ्लाई, और ऐसी लड़की के वास्ते मैं शेर की गुफा में क्या मगरमच्छ।